गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम कैसे पढ़ रहे थे? मैं आपको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रही थी। प्रेजेंटेशन में बेसिकली मैं आपको कुछ कंटेंट ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही लिख के देगी, वही अपने नोट्स में नोट डाउन कर रहे थे। बट अभी मैं आपको आपकी बुक से ही पढ़ा रही हूँ ताकि आपके लिए भी ईजी रहे हर टॉपिक को देखना कि कौन सा टॉपिक हमने कवर कर लिया, कौन सा बाकी है। ओके, और आपके पास बुक है तो आप बुक से भी उस चीज़ को फिर से रीड आउट कर सकते हैं। सो मेरे पास बुक है बट उसमें से वीडियो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, सो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ जो पेजेस में पढ़ाने वाली हूँ उसका पीडीएफ लिया है। थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम होगी बट इतना भी ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लमेटिक, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 7, और इसका नाम है आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी। इसको हम प्रोग्राम एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें हम समझेंगे एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है, देन कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हम सभी के बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केसेस पढ़ेंगे सारे एल्गोरिथम्स के जो इंपॉर्टेंट है, लाइक इंसर्शंस और बबल सॉर्ट। इन सब के हम तीनों ही केसेस कंसिडर करेंगे। ओके, हम इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो आप देखिए इसमें लिखा है एल्गोरिथम इज अ मैथड और प्रोसीजर फॉर अकम्पलिशिंग अ स्पेशल टास्क और अ स्पेसिफिक टास्क एंड विच इज़ सफिशियंटली प्रिसाइज एंड दैट कैन बी प्रोग्राम्ड ऑन कंप्यूटर। सो एल्गोरिथम का मीनिंग हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था। ये बेसिकली एक मैथड और प्रोसीजर है जो हम क्यों यूज़ करते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क को अकम्पलिश करने के लिए। ओके, तो इसको हम सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप मैथड है ना, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कार चलाना सीखना है। ओके, सो क्या होगा, उसके कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगे। फर्स्ट आपको स्टेयरिंग चलाना सिखाया जाएगा, देन आपको गियर चलाना, तो एक स्पेसिफिक आपके पास स्टेप्स रहेंगे। तो स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप जो आप मेथड फॉलो कर रहे हैं उस कार को सीखने के लिए, वही एक बेसिकली क्या हो एक टाइप का एल्गोरिदम हुआ। तो यही हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होता है, किसी भी प्रोग्राम को जब आप बना रहे हो, कोई प्रोग्राम आप कोड कर रहे हैं, तो हर जो आप स्टेप बाय स्टेप मैथड फॉलो करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम ये भी होता है कि जो कोड आपने बनाया जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो जैसी एफिशिएंसी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो वैसे तब मिल रही है। सेम एफिशिएंसी अगर आप सेम कोड किसी और को दे दोगे वो रन करेगा तो भी उसकी एफिशिएंसी क्या सेम ही होगी। ओके, जैसे कि आपने आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कार सिखाने के लिए, सेम इंस्ट्रक्शंस आपके फ्रेंड को भी दिए गए, तो आप दोनों जो सीखेंगे आपकी दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, ऑब्वियसली सेम होगी। ओके, तो एक एग्जांपल था। सिमिलरली हमारे आप कंप्यूटर से अपने एल्गोरिथम को भी लिंक कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मेथड और जो कि जो एल्गोरिथम है जो आप बना रहे हैं आपके फ्रेंड को दे रहे हैं, उसको दोनों को ही आप जब इंप्लीमेंट करोगे तो उसका एफिशिएंसी क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। यानी आपने एक स्पेसिफिक टास्क के लिए वो एल्गोरिथम बनाया है जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और आप किसी भी कंप्यूटर पर उसको प्रोग्राम कर सकते हो, और ये क्या है, प्रिसाइज फॉर्म है किसी भी कोड का। ओके, सो जब आप अपने किसी भी एल्गोरिथम या कोड को आप बना देते हैं तो उसको बहुत ही बल्क डेटा, बहुत ही लार्ज डेटा पे इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी टेस्टिंग होती, चेक होता है कि वो जो एल्गोरिथम है वो एफिशिएंट है या नहीं। ओके, बिना चेक किए किसी भी बड़े मेजर किसी भी डेटा पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। सपोज़ आपकी कोई एप्लीकेशन है जो रियल टाइम एप्लीकेशन है जिसमें आपका जो एल्गोरिथम है बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, आपने उस कोड को बनाया है, प्रोग्राम पूरा डेवलप किया, लेकिन आपने उसकी एफिशिएंसी चेक नहीं की, डायरेक्टली लगा दिया, तो इससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। वो एप्लीकेशन जब रन होगी तो उससे बहुत सारी अगर एक भी चीज़ मिस हो जाती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो एल्गोरिथम किसी भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने से पहले उसकी एफिशिएंसी जो है वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम यहाँ पे एफिशिएंसी चेक करना सीख रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप कोड कर रहे हैं। सो यहाँ पे बस आपको डेफिनेशन का ध्यान रखना है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है जो आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। आपको जो सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट लिखना है, डेफिनेशन में आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है एंड ऑन कंप्यूटर तक, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये जो लिखा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो क्वालिटी है एल्गोरिथम की है ना, परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन मेनली इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो एल्गोरिथम की हम बात कर रहे हैं इसकी परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस से बेसिकली क्या, एफिशिएंसी। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतनी अच्छी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। सो परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली टू फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? ओके, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं लाइक आपके टाइम कितना लगेगा उस कोड को रन होने में, या वो जो आपका कोड जो प्रोग्राम है वो कितना स्पेस है, मेमोरी उसको चाहिए जब वो रन करेगा। ओके, आपके सिस्टम के अंदर कितना स्पेस उसको चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों इंटरनल फैक्टर्स होते हैं।
फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक साइज ऑफ द इनपुट टू द एल्गोरिथम, स्पीड ऑफ द कंप्यूटर एंड क्वालिटी ऑफ द कंपाइलर। सो जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को हमें डिटेल में स्टडी करना है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है। ओके, जैसे कि आप फर्स्ट देखिए लिखा है साइज ऑफ द इनपुट टू द एल्गोरिथम। सो आपने अपना जो एल्गोरिथम है वो डेवलप कर दिया, ओके तो उसमें आप इनपुट क्या देते हैं? सपोज आपने एन वेरिएबल लिया है, अब आप जो एन लिस्ट दे रहे हैं वो आप बहुत बड़ी देंगे तो ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा कंप्यूट करने में। अगर आप नंबर डेटा कम दे रहे हैं तो उसको कंप्यूट करने में टाइम कम लगेगा। तो एक तरीके का एक्सटर्नल फैक्टर है, वो आपकी डिपेंड करता है इनपुट साइज पे। अब जैसा इनपुट देंगे वैसा आपका एल्गोरिथम वर्क करेगा, बड़ा देने पर टाइम लगेगा, छोटा देने पर कम लगेगा। ओके, टाइम कम लगेगा। सेकेंड है आपका स्पीड ऑफ द कंप्यूटर ऑन विच इट इज़ रन। ओके, जो आपके कंप्यूटर की स्पीड, अगर आप बहुत ही अच्छा कंप्यूटर यूज़ करके लाइक सुपर कंप्यूटर्स हो गए या फिर कंप्यूटर्स जिनका रैम ज़्यादा है, ओके सो ऐसे टाइप के कंप्यूटर्स जिनका स्पीड अच्छा है, कंप्यूटर सिस्टम्स अच्छे हैं, उनके लिए ये जो आपका एल्गोरिथम है बेटर वर्क करेगा, और जिनका स्पीड कम है उनके लिए थोड़ा सा कम अच्छा मतलब परफॉर्म थोड़ा सा कम करेगा। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ द कंपाइलर। कंपाइलर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, जितना अच्छा कंपाइलर होगा उतना जल्दी आपका एल्गोरिथम या प्रोग्राम जो कंपाइल हो जाएगा। सो ये तीनों जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ये डिपेंड करते हैं, इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, कंप्यूटर चेंज कर सकते हैं, कंपाइलर चेंज कर सकते हैं, इनपुट की साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल फैक्टर्स है इनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ये जब आप एल्गोरिथम बनाएंगे उसी टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये हम जब चेक करेंगे एल्गोरिथम को कि कितना टाइम ले रहा है, कितना मेमोरी ले रहा है। ओके, सो ये हमको एल्गोरिथम डिज़ाइन करते टाइम ही ध्यान रखना पड़ेगा, और ये तीनों चीज़ें जो है हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मानते हैं इंटरनल फैक्टर्स को मानते हैं एल्गोरिथम के लिए, विच इज़ टाइम एंड सेकंड इज़ द स्पेस। ओके, सो इसमें ये लिखा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कंट्रोलेबल है और हम कंट्रोल कर सकते हैं बट इंटरनल को नहीं कर सकते, और इंटरनल फैक्टर्स हम स्टडी करने वाले जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है। फिर इसमें देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज डिटरमाइंड बाय स्टडिंग एंड मेजरिंग इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द एल्गोरिथम। सो कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी एल्गोरिथम की हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय मेजरिंग द इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स के हिसाब से। ओके, हम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन कर सकते हैं अगर इंटरनल फैक्टर्स है लाइक टाइम एंड आपका मेमोरी जो भी हमने पढ़ा है। ओके, टाइम एंड मेमोरी अगर आपका कम लग रहा है, टाइम भी स्पेस भी कम लग रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी उसकी क्या होगी? कम होगी। अगर दोनों चीज़ें ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी हम बेसिकली कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय स्टडिंग और मेजरिंग द इंटरनल फैक्टर्स, दैट इज टाइम एंड स्पेस। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इंट्रोडक्शन हो गया आपका एफिशिएंसी के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्पिटिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो द टर्म कॉम्पिटिशनल कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली टू वर्ड से बना हुआ है, कॉम्पिटिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सो हम पहले इनको डिफरेंट डिफरेंट समझते हैं, फिर इन दोनों को हम कंपाइल करके एक साथ देखेंगे कि इन दोनों का लाइक मीनिंग क्या है हमारे चैप्टर के अंदर। सो कॉम्पिटिशन का बेसिकली क्या है? इट इन्वॉल्व द प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व एंड द एल्गोरिथम्स टू सॉल्व दैम। ओके, कोई प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व किया है, उनको सॉल्व करने के लिए हमने कोई एल्गोरिथम डेवलप किए, तो बेसिकली यहाँ पे क्यों हम यहाँ पे क्रिएशन कर रहे हैं, यानी कैलकुलेशन पार्ट कुछ बना रहे हो, हम चेक नहीं कर रहे हैं, ऐसे हम बना रहे हैं या फिर क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट होता है जिसमें हम एल्गोरिथम्स बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, वो हो गया हमारा कॉम्पिटिशन। और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है हमारा? इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फैक्टर्स टू डिटरमाइन हाउ मच रिसोर्स इज सफिशियंट और नेसेसरी फॉर दिस एल्गोरिथम टू रन एफिशियंटली। ओके, सो सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जो अभी हम जस्ट पढ़ के आए, कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मीनिंग था कि इट बेसिकली स्टडिंग और मेजरिंग द इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स क्या कहते हैं? हमारे टाइम एंड मेमोरी। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फैक्टर्स, कौन से इंटरनल फैक्टर्स? सच एज रिसोर्स इज सफिशियंट और नेसेसरी फॉर दिस एल्गोरिथम टू रन एफिशियंटली। इनको रन करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज है वो सफिशियंट या नेसेसरी, जो सफिशियंट और जो नेसेसरी हमारे जो रिसोर्सेज है वो है या नहीं। ओके, अगर उस एल्गोरिथम के लिए जितना उसको रिक्वायर्ड है उतना ही टाइम लग रहा है, उतनी ही मेमोरी ले रहा है, दैट मीन्स हमारा सिस्टम, हमारा जो कोड है वो अच्छा है। अगर उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है दैट मीन्स उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, वो हमारे सिस्टम के लिए इतना अच्छा नहीं है। ओके, सो ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी हुआ। नेक्स्ट द रिसोर्सेज जनरली इंक्लूड, यहाँ पे हमने जो वर्ड बोला था, हाउ मच रिसोर्स इज सफिशियंट और नेसेसरी फॉर दिस एल्गोरिथम टू रन एफिशियंटली। ओके, सो रिसोर्सेज का यहाँ पे मीनिंग बताया, रिसोर्सेज लाइक टाइम हो गया, स्पेस हो गया, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है फिर से कि रिसोर्स यहाँ पे जो हम जहाँ भी हम ये वर्ड यूज़ करेंगे इस पूरे चैप्टर में, रिसोर्स का मतलब हम टाइम एंड स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए रिसोर्सेज और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे लाइक आपका टाइम हो सकता है, आपका स्पेस हो सकता है, या फिर हम इसकी
किसी और टर्म्स में भी बोल सकते हैं रिसोर्स को, लाइक जैसे कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, ओके सो वहाँ पे दो, एक तो आपके पास बहुत ही छोटा रास्ता है, एक थोड़ा सा बड़ा है और एक थोड़ा सा जिगजैग वाला रास्ता है, सो आप कौन सा प्रेफर करेंगे, सबसे स्मॉल और सबसे जो छोटा रास्ता है ताकि आप जल्दी से पहुँच जाए, क्योंकि उसमें टाइम कम लगेगा, रिसोर्सेज भी कम लग रहे हैं, ओके बस आप रिसोर्सेज मतलब आपको पेट्रोल कम लग रहा है, फाइन। लेकिन अगर वही आपका ट्रैफिक ज़्यादा हो गया तो आपको वहाँ जाने में प्रॉब्लम आएगी, आपको रिसोर्सेज तो कम लग रहे हैं लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ट्रैफिक की वजह से आपको रुक रुक के जाना पड़ेगा, और जो लंबा रास्ता है उधर ही वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा लग रहे हैं आपका लेकिन टाइम कम लग रहा है, ओके। और एक और रास्ता ज़िगज़ैग है जिसमें रिसोर्सेज भी कम लग रहे हैं कंपेरेटिवली और टाइम भी कम लग रहा है, तो ऑब्वियसली आप वो वाला रास्ता प्रेफर करेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, हमारा टाइम भी हमें देखना है और मेमोरी भी हमें देखनी है, तो रिसोर्सेज आपको लाइक टाइम भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, और एक आपका ट्रैफिक भी, नेटवर्क ट्रैफिक भी हो सकता है, कितना ट्रैफिक है उसके हिसाब से। तो रिसोर्सेज ऐसे बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर में वो टाइम एंड स्पेस के ऊपर रहेगा, ओके। नेक्स्ट है आपका, द फर्स्ट थिंग टू टेक इंटू अकाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब दो वर्ड्स होते हैं कंप्यूटर में, हमेशा आते हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एफिशिएंसी हम किसको बोलते हैं, सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, इफेक्टिव है यानी एफिशिएंट भी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, लेट्स सी। इफेक्टिवनेस मीन्स दैट द एल्गोरिथम कैरीज आउट इट्स इंटेंडेड फंक्शन करेक्टली, ओके। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है हमारा, कि जो एल्गोरिथम हमने बनाई है जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई है वो बिल्कुल सही चल रहा है, करेक्ट चल रहा है ना, प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो यानी हमारा जो कोड है वो इफेक्टिव है। एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, कि जो कोड हमने बनाया वो सही तो चल रहा है लेकिन साथ में बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस भी हमको दे रहा है, तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है वो हमको दे रहा है, ओके। यानी उसमें परफॉर्मेंस के सेंस में हमारे को टाइम भी बिल्कुल कम लग रहा है और मेमोरी भी बिल्कुल कम यूटिलाइज कर रहा है। तो इफेक्टिवनेस मीन्स जब हमारा इंटरनेट जो फंक्शन है हम पूरा प्रॉपर उसको रन कर रहे हैं, यानी सिस्टम इफेक्टिव है, लेकिन रन करने के साथ साथ अगर हम बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, मीन्स कि टाइम भी कम लग रहा है, स्पेस भी कम लग रहा है, तो हम बोलेंगे हमारा सिस्टम क्या है, एफिशिएंट है। तो यही यहाँ पर डिफरेंस है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बीच में, ओके। तो आप, मैंने जो समझाया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया, ये दोनों आपको लिखना है यहाँ से इफेक्टिवनेस से लेके कॉम्प्लेक्सिटी तक, तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है, मार्क कर रखा है, वो आपको अपने नोट्स के अंदर लिखना है, ओके। नेक्स्ट है आपको, अगर आपको दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, एस्टिमेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स। सो थर्ड टॉपिक कि अब हम एल्गोरिदम हमने देखा होता क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग क्या होता है, ओके, और कॉम्पिटिशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, और टाइम एंड स्पेस को हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, वो सारे कुछ हमने समझा। अब जो एल्गोरिदम की जो कॉम्प्लेक्सिटी उसको हम एस्टिमेट कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है इसमें, कि एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को एस्टिमेट करने के लिए हम दो चीज़ों को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एक तो अमाउंट ऑफ स्पेस मेमोरी एंड दूसरा टाइम, ओके। जो जो चीज़ अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया था, कॉम्प्लेक्सिटी में बेसिकली दो चीज़ें ऐड ऑन होती हैं यहाँ पे, इंटर फैक्टर्स टाइम एंड स्पेस, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है उसको, सेम चीज़ को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, आप अपने टर्म्स में भी उसको खुद लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड बात करी, दैट मीन्स किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे एस्टिमेट करें, एस्टिमेट करने के लिए हमको पता है कॉम्प्लेक्सिटी में दो चीज़ें होती है चेक करने के लिए, या तो मेमोरी और दूसरा टाइम, अगर मेमोरी और टाइम कम लग रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी कम है, मेमोरी और टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ज़्यादा है, बस इतना ही है। आपको सिर्फ इतना सा फर्स्ट लाइन लिखनी है कि इसको हम टू डायमेंशन से मेजर करते हैं, फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड एंड सेकेंड इज टाइम टेकन, इससे ज़्यादा आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन जो है बेसिकली बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ओके। हम इसको बहुत ही छोटा सा, आपके सिलेबस में बहुत ही थोड़ा सा दिया हुआ है, तो उतना ही हम इसमें डिस्कस करेंगे, बाकी जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे तब आपको इसका पूरा प्रॉपर यूज़ समझ में आएगा, अभी हम जितना आपको रिक्वायर्ड उतनी बात करेंगे। सो बिग ओ नोटेशन इज़ यूज टू डिपिक्ट एन एल्गोरिथम्स ग्रोथ रेट। सो किसी भी एल्गोरिथम की ग्रोथ रेट को बताने के लिए एक नोटेशन यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं बिग ओ नोटेशन, ओके। अब हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं बिग ओ नोटेशन को, वो हम चेक कर रहे थे। सपोज़ आपकी कोई एल्गोरिथम है लाइक इंसर्शन सॉर्ट की है, तो इंसर्शन सॉर्ट का अगर आपको ग्रोथ रेट बताना है तो आप उसको बिग ओ नोटेशन से कैसे बता सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा लिखने का जो तरीका होता है, ये आपको यहाँ से लिखना है, बिग ओ नोटेशन से लेके ग्रोथ रेट डिटरमाइंस एल्गोरिथम परफॉर्मेंस व्हेन इट्स इनपुट साइज इज ग्रोज, यहाँ तक आपको लिखना है,
अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, जो मैं आपको बताने वाली थी, जैसे कि आप एग्जांपल देखिए। अगर कोई एल्गोरिथम है उसको हम लिखते हैं ओ बिग ओ फिर ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर, तो ये हमारा बिग ओ नोटेशन है। बिग ओ नोटेशन के लिए हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जो भी हमारा स्टेप साइज है, और बाहर की साइड हमारा ऐसे कैपिटल ओ लिखते हैं, तो ये बिग ओ नोटेशन हुआ। अब एन स्क्वायर एन लॉग एन ये सब चीज़ें कैसे आएगी, हम आगे सीखेंगे इसको कंप्यूट करना। आपको अभी से बिग ओ नोटेशन कैसे लिखते हैं, तो जो भी वैल्यू हम कंप्यूट करते हैं वो यहाँ पर आती है ब्रैकेट्स के अंदर, और बाहर हम इसको ऐसे कैपिटल ए ओ लिखते हैं। ये बिग ओ नोटेशन बनाने का तरीका होता है। सो ओ ऑफ एन स्क्वायर, इसका मीनिंग ये होता है कि दिस एल्गोरिथम विल कैरी आउट इट्स टास्क टेकिंग एट द मोस्ट एन स्क्वायर स्टेप्स फॉर इनपुट साइज एन। यानी कि अगर आप एन इनपुट साइज दे रहे हैं तो उसमें टोटल स्टेप्स कितने लग रहे हैं, एन स्क्वायर। अगर यहाँ पे होता एन लॉग एन, तो मतलब होता है कि इनपुट साइज आप एन दे रहे हैं जहाँ पे स्टेप्स कितने लग रहे हैं आपको, एन लॉग एन, यानी ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो उसको हम बोलते हैं स्टेप्स। ये डिपिक्ट क्या करता है कि यहाँ पे हमारे एन स्क्वायर स्टेप्स है और इनपुट क्या दे रहे हैं हम, इनपुट साइज है हमारी एन। इसको रीड करने का तरीका होता है। इनपुट साइज लाइक आपने एक बबल सॉर्ट करना है, बबल सॉर्ट में आपने फोर एलिमेंट्स दिए और उनकी सॉर्टिंग करनी फोर एलिमेंट्स की। यहाँ पे आपने साइज कितनी दी है, फोर। तो फोर के लिए अगर उसका मीनिंग होता कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको बिग ओ नोटेशन से। तो हम लिखते हैं बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। यानी कि जब मैं एन फोर इनपुट साइज दे रही हूँ, तो फोर का स्क्वायर यानी कि 64 मेरा जो है स्टेप साइज है, मुझे इतने स्टेप्स लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। ये मैंने एग्जांपल दिया है। बबल सॉर्ट के लिए एन स्क्वायर नहीं होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होगा पूरा सारे केसेस को। ये बिग ओ नोटेशन का लिखने का तरीका, ऑफ और ब्रैकेट के अंदर जो इसके स्टेप्स हम कैलकुलेट करके लाएंगे। बिग ओ नोटेशन के बाद यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है, लाइक कॉम्प्लेक्सिटीज गिवन है, जिसको कंपेयर किया हुआ है। आप यहाँ पे अगर देखते हैं कि एन की वैल्यू अगर आप 10 देते हैं, यानी आपने 10 एलिमेंट्स दिए हैं, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर आती है कैलकुलेट करने पे एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर यानी 100। अगर आप 20 देते हैं तो 20 का स्क्वायर यानी 400, 40 देते हैं यानी 1600। तो जब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी एन इनपुट देने पर एन स्क्वायर है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ आ रही है, स्टेप साइज आ रही है, वो कितनी ज़्यादा आ रही है। यानी अगर एलिमेंट में थोड़ा सा भी चेंज, यहाँ पे सिर्फ 300 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में। अगर थोड़ा सा भी एक इनपुट साइज इंक्रीज़ होती है, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसे 2^n के अंदर अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है। यहाँ पे 10 का 100 था, यहाँ पे 10 का 2^10 क्या है, 1024। और इसमें जब आप देखेंगे, जब जैसे जैसे आपकी इनपुट साइज इंक्रीज़ हो रही है, इसके कंपैरिजन में एन स्क्वायर कंपैरिजन में 2^n की वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो ये डेटा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है। जितना आपका ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, उतने ही ज़्यादा आपका वैल्यू नंबर क्या होगा, चेंज होगा जब आपका इनपुट साइज जो है इंक्रीज़ होता जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम होगी, उतना हमारा सिस्टम, हमारा कोड एफिशिएंट होगा। फिर नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर आप कॉम्प्लेक्सिटी जगह परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं। हमारी जो परफॉर्मेंस होती है एल्गोरिथम की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्लॉक टाइम के या फिर टाइम के। जैसे कि अगर टाइम कम लगेगा तो हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, बढ़ेगी। हमारा कोड जो है, हम जब उसको रन कर रहे हैं, उसको रन होने में, एग्जीक्यूट होने में अगर कम टाइम लग रहा है, जल्दी रन होके हमारे सामने हमको आउटपुट दिखा रहा है, तो परफॉर्मेंस क्या है, मीन्स की बहुत अच्छी है। और अगर उसका टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो परफॉर्मेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। वैसे मेमोरी के साथ बात कर सकते हैं, अगर वो मेमोरी कम ले रहा है तो हम क्या बोलेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी है, और मेमोरी अगर वो ज़्यादा ले रहा है तो हम क्या बोलेंगे, परफॉर्मेंस खराब है। सो परफॉर्मेंस जो है बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी की, कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही होगी आपकी टाइम एंड मेमोरी। ये चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई है कि परफॉर्मेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स योर टाइम एंड मेमोरी। उसके बाद एक टर्म है आपका डोमिनेंट टर्म। डोमिनेंट टर्म क्या होता है बेसिकली, देखिए जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल एक कोड के अंदर आपको कंप्यूट करनी है ये वैल्यू, आपने पूरा कोड लिखा है, ए की वैल्यू डिफाइन की है, पी बी में भी कुछ वैल्यू डाली है, सी में भी डाली है, और फिर आपको ये कंप्यूट करना है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी।
सो आप जब ये लिखेंगे सिंपल एक ही स्टेटमेंट है ये पूरा जो है कंप्यूटर के एक फाइनल रिजल्ट दे रहा है, तो कोई लूप वगैरह नहीं चल रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हमको निकालना बहुत ईजी है, ये सिर्फ स्टेप्स हम देख लेंगे। हमने क्लास 11 के अंदर निकालना देखा था कॉम्प्लेक्सिटी। ओके सो यहाँ पे आप निकालेंगे तो एक ही स्टेप है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस टाइप से जब कोई लूप्स वगैरह नहीं है, सिर्फ एक स्टेप कॉम्प्यूट करना होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं तीन कॉन्स्टेंट ए बी एंड सी, और यहाँ पे एन की वैल्यू जो है यहाँ पे एन स्क्वायर है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो एन की वैल्यू सबसे बिगर है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे बिगो नोटेशन के अंदर। तो हम यहाँ पे ले लेंगे बिग ओ जो है, क्योंकि यहाँ पे कोई लूप्स वगैरह नहीं है, तो सिर्फ इसी से हम डायरेक्टली यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कि हम डायरेक्टली क्यों करें, फोर लूप में कैसे करेंगे, हम पूरा स्टडी करेंगे आगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब एक ही स्टेटमेंट होता है, कोई लूप्स वगैरह नहीं चल रहे, उस केस में आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका बहुत ईजी होता है। आप डायरेक्टली उस एन का जो वैल्यू है, हाइएस्ट वैल्यू, उसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एन सिंगल था, यहाँ पे एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर को हम यहाँ पे ले लेंगे, तो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए। ओके तो इस इनको हम बोलते हैं डोमिनेंट टर्म। डोमिनेंट टर्म यानी कि जो सबसे हायर डिग्री वाला है वही हम लेते हैं, बाकी सारे को इग्नोर कर लेते हैं। सो ये चीज़ इसके अंदर लिखी है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमन ग्रोथ रेट्स। ओके कुछ एग्जांपल्स गिवन है, लाइक बिग ओ ऑफ वन का मतलब होता है अगर आपका कॉन्स्टेंट है, सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है यहाँ पे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी होता है, कुछ एन नहीं होता, कोई इनपुट आप नहीं दे रहे हो। ओके तो हम यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बिग ओ ऑफ वन होता है। डायरेक्टली आप याद रखने के तरीके हैं, ओके आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपका जैसे एडिंग टू द फ्रंट ऑफ अ लिस्ट, जैसे यहाँ पे ऐड हो रहा था, मैंने भी आपको बताया ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल कोई इनपुट नहीं दे रहे हो आप एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी था बिग ओ ऑफ वन। सिंपली ऐसा होता है फाइंडिंग एन एंट्री इन अ सॉर्टेड एरे। आपका एरे सॉर्टेड है बिल्कुल, है ना, 1 2 3 4 5 6, उसमें आपको कोई पर्टिकुलर एंट्री फाइंड करनी है, तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी होता है लॉग एन। जैसे कि हमने एक एग्जांपल, हमने बाइनरी सर्च पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले रिकर्शन में। सो बाइनरी सर्चिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सॉर्टेड एरे ही है और हम पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। ओके सो वो आप उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी वो हम क्या मान सकते हैं, लॉग एन मान सकते हैं। ओके वैसे ही नेक्स्ट आपका रहता है फाइंडिंग इन एंट्री इन अनसॉर्टेड एरे। आपका एरे अनसॉर्टेड है तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता है, आपका एन रहता है। ओके सो आप जब अनसॉर्टेड में फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू आपका सॉर्टेड एरे। ऑब्वियसली हमको ये पता भी है सॉर्टेड एरे में हमको डायरेक्टली बहुत जल्दी नंबर मिल जाएगा, क्योंकि हमको पता है नंबर हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके बाइनरी सर्च की हेल्प से जल्दी सर्च कर लेंगे। अनसॉर्टेड में पहले हमको सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर हमको एल्गोरिदम लगाएंगे, तो हमको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो लॉग इन की वैल्यू कम रहती है एज़ कम्पेयर टू एन। ओके फिर ऐसे ही आपका अगर आपको डिवाइड एंड कॉन्कर मैथड से कोई एन टाइम्स कोई एन नंबर्स की सॉर्टिंग करनी, तो उसका एन लॉग एन रहता है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखनी, इनके ऊपर 1 मार्क के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, कि इस वाले एग्जाम्पल में इस टाइप का अगर आप कोट कर रहे हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। सिंपली नंबर ऐड करें तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ वन। कोई सॉर्टेड में आपको फाइंड करना है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ लॉग इन। अनसॉर्टेड में फाइंड करना है कोई नंबर तो बिग ऑफ एन रहेगी। कैलकुलेट करना सीखेंगे बट आपको ये डायरेक्टली भी ध्यान होनी चाहिए। जब आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है दो नोड्स के बीच में, तो हम बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए क्यूबिक के फॉर्म में होती है, उसका होता है बिग ऑफ एन क्यूब। और टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम बेसिकली ये स्टैक टाइप होती है, स्टैक का मीनिंग हम आगे पढ़ेंगे। ओके तो आपको टावर ऑफ हैनोई क्लियर हो जाएगा। तो उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ 2^n। ओके उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका गाइडलाइंस फॉर कंप्यूटिंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट करेंगे, इसके कुछ स्टेप्स है, और फिर इन स्टेप्स को सीखने के बाद हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखेंगे एक एक एल्गोरिदम के लिए। ओके सो अभी तक आपने जहाँ तक यहाँ तक हमने जो पढ़ा है, आपको नोट्स कंप्लीट करने और कुछ भी इसमें डाउट आए तो आप पूछिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे होम।